मेरे प्यारे साथियों, नमस्ते। ये वही श्याम रंगीला हैं जो पीएम मोदी की मिमिक्री करके चर्चा में आए। हालांकि उनके कई वीडियोस को लेकर खासा विवाद भी खड़ा हुआ। भाइयों बहनों, राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के मोखमवाला के रहने वाले श्याम को उनके गांव वाले हमेशा टीवी पर देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ज्यादातर निराशा ही हाथ लगी। मेरे पास फोन आया लापरवाही तेलंग से 2017 में, तो मैंने उनको सबसे पहली बात बोली, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं दोबारा बोलना नहीं चाह रहा कि गांव में कि मैं टीवी पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं आता नहीं हूं बाद में। तो वो कह रहे नहीं, हमने आपका देखा है, सब चीज देख के आपको फोन किया, चैनल सबसे बात करके फोन किया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में वो एपिसोड शूट हुआ और जब वो टेलीकास्ट होने में 3 दिन बाकी थे तो वो बैन हो गया। तो वो कहने लगे नहीं, ये तो आ नहीं सकता, ये थोड़ा सा पॉलिटिकली है। मैंने कहा ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था। श्याम का असली नाम श्याम सुंदर है। उनकी मिमिक्री की जर्नी तो बचपन से शुरू हो गई थी, लेकिन पॉलिटिकल मिमिक्री ने उन्हें भीड़ से अलग किया। रंगीला मैंने 2015 के अंदर जोड़ा था, राजस्थान से हूँ तो रंगीलो राजस्थान कहते हैं अपने, तो मैंने रंगीला लगा लिया। बचपन में मास्टर जी की नकल कर दी, घर वालों में नानी की नकल करना, नाना की नकल करना। फिर उसके बाद में 2012 के अंदर मैं जयपुर आ गया था, सोशल मीडिया आ गया, कोई एक बंदा खड़ा होकर वीडियो बना के उसने डाल दिया व्हाट्सएप पे, फैल गया पूरा। छोटे मोटे प्रोग्राम में चले गए तो वहां पे लाइनें लगी हुई है सब लोगों की, तो मैं भी खड़ा हो गया पीछे जाके, तो देखा वो सब अजय देवगन की आवाज निकाल रहे हैं, शाहरुख खान की आवाज निकाल रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो सब एक जैसा सिस्टम माहौल बना पड़ा, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ अलग करते हैं। फिर मैंने मोदी जी की वॉइस को पकड़ा, फिर जब मैं उनके पास गया और मैंने कहा मैं मोदी जी की आवाज निकालता हूं, तो फिर सबसे पहला मैं ही था कि वहां पे डायरेक्ट एंट्री स्टेज पे चलो। श्याम की पहली कमाई महज 1000 रुपए थी, जिसे देखकर उनके घर वाले काफी हैरान हुए। पहली कमाई में ऐसे ही देते थे कि 1000 रुपए, इतना बड़ा कार्यक्रम था, मुझे लगा था मुझे देने हैं। तो जब वो पैसे ले जाके मैंने घर वालों को दिए, मैंने कहा ये मेरे को प्रोग्राम करने के मिले हैं, तो उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई पैसे दे सकता है तुम्हें बोलने के लिए। कई बार मेरे पास फोन आते हैं एक्टिंग के लिए, और एक्टिंग क्या है कि करने की इच्छा तो है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं सीखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है कि, लेकिन कॉमेडी थोड़ा सा अलग चीज होती है। कॉमेडी में आप किसी भी दबाव में नहीं होते हो, आप अपनी बातें कह रहे होते हो। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में दिख रहे हैं। अगर आपको सच जानना है तो आप दैनिक भास्कर पढ़िएगा, क्योंकि सच करीब से दिखता है।